हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। जो भी अल्कली मेटल्स के कंपाउंड होते हैं जनरली आयनिक नेचर के होते हैं। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स देखेंगे तो एक्सेस एयर के से अगर हम लोग कंबशन कराते हैं तो लिथियम जो है वो मेनली ऑक्साइड देता है Li2O प्लस सम परोक्साइड Li2O2। सोडियम मेनली परोक्साइड देता है Na2O2 एंड प्लस सम सुपरऑक्साइड Na2। वैरस अगर हम पोटेशियम रूबिडियम और सीजियम को एक्सेस एयर से करते हैं कंबशन तो हम लोग को सुपर ऑक्साइड मिलता है MO2 टाइप। अप्रोप्रिएट कंडीशन देंगे तो हम लोग को प्योर कंपाउंड्स M2O, M2O2 और MO2 टाइप मिलता है। और जो स्टेबिलिटी होती है परोक्साइड और सुपर ऑक्साइड की वो मेटल आयन के साइज इंक्रीज करने से वो भी इंक्रीज होती है ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज अनायंस बाई लार्जर कटायंस थ्रू लैटिस एनर्जी इफेक्ट्स। जो ऑक्साइड्स हैं वो ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वाटर के साथ और हाइड्रोक्साइड्स देते हैं। जो परोक्साइड है वो हाइड्रोक्साइड के साथ साथ H2O2 भी देता है और जो सुपर ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड H2O2 प्लस O2 देता है। मीन्स जो सुपर ऑक्साइड ही है एक जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन रिलीज करता है। कलर देखेंगे तो ऑक्साइड्स और परोक्साइड जब प्योर होते हैं तो कलरलेस होते हैं बट सुपर ऑक्साइड्स येल्लो या ऑरेंज कलर का होता है। सुपर ऑक्साइड्स आर ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। सोडियम परोक्साइड वाइडली यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन है वाई इज़ KO2 पैरामैग्नेटिक। तो KO2 में जो सुपर ऑक्साइड है O2-, उसका हम लोग अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे तो anti-π2p ऑर्बिटल में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है जिस वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है। हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होता है बाय रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विथ वाटर। वो सभी हाइड्रोक्साइड वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बेसिस और डिजॉल्व फ्रीली इन वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ मच हीट ऑन अकाउंट ऑफ इंटेंस हाइड्रेशन। तो जितने भी बेसिस होते हैं सब में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड और ये वाटर के साथ ईजिली डिजॉल्व करता है और हीट रिलीज करता है। हलाइड्स है तो जो भी अल्कली मेटल हलाइड्स है वो हाई मेल्टिंग होता है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है। इसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं बाय अप्रोप्रिएट ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट विथ एक्वस हाइड्रोहैलिक एसिड। ये सभी जो हलाइड्स होते हैं उसका हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो फ्लोराइड्स होता है उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेस नेगेटिव होते जाता है और जो क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स होता है वो इसका अपोजिट होता है। फॉर गिवन मेटल एक पर्टिकुलर मेटल दिया है तो उसमें जो फॉर्मेशन होगा एंथैल्पी फॉर्मेशन वो फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जाएंगे तो लेस नेगेटिव होते जाता है। फॉर एग्जांपल अगर लिथियम लेते हैं तो लिथियम फ्लोराइड जो है वो मोर नेगेटिव होगा और फिर लिथियम क्लोराइड देन लिथियम ब्रोमाइड देन लेस नेगेटिव लिथियम आयोडाइड। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखेंगे तो फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा होगा फिर क्लोराइड देन ब्रोमाइड देन आयोडाइड। ये जो सभी हलाइड्स होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जो लिथियम फ्लोराइड है उसकी लो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी और जो सीजियम आयोडाइड है CSI उसकी लो सॉल्युबिलिटी होती है ड्यू टू स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ 2 आयंस। तो ये दोनों हलाइड्स की लो सॉल्युबिलिटी वाटर का रीज़न अलग अलग है। अदर हलाइड्स जो होते हैं वे लिथियम के वो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इथेनॉल एसीटोन और इथाइल एसीटेट में और जो लिथियम क्लोराइड है वो पिरिडीन में भी सॉल्युबल होते हैं। जो सॉल्ट्स होते हैं ऑक्सो एसिड्स के वो देखेंगे तो ऑक्सो एसिड्स किसको बोलते हैं इसमें जो एसिडिक प्रोटोन होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे होता है ऑक्सो ग्रुप के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ये सभी ऑक्सो एसिड्स होते हैं। अल्कली मेटल सॉल्ट्स फॉर्म करता है विथ ऑल द ऑक्सो एसिड्स जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में एंड थर्मली स्टेबल होते हैं। जो कार्बोनेट्स होते हैं मोस्ट केसेस में हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हाईली स्टेबल होते हैं हीट के साथ मतलब थर्मली स्टेबल होते हैं और जैसे जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है तो इनकी स्टेबिलिटी जो होती है कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट की वो भी इंक्रीज करती है। जो लिथियम कार्बोनेट होता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है और बहुत ईजिली पोलराइज टूट जाता है बिकॉज लिथियम स्मॉल साइज का होता है जो कि पोलराइज कर देता है CO3 2- आयन को और फिर टूट कर
लिथियम ऑक्साइड Li2 और CO2 रिलीज करता है। लिथियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग एनमलस प्रॉपर्टी देखेंगे लिथियम का, तो इसका ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ एटम और हाई पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर क्या है, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, तो इस वजह से क्या होता है कि ये लिथियम कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी सॉल्विटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करता है मैग्नीशियम के साथ, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। उसका डिफरेंस देखेंगे लिथियम और बाकी अल्कली मेटल्स में, तो फर्स्ट पॉइंट है लिथियम मच हार्डर होता है और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होता है अदर अल्कली मेटल्स से। सेकेंड पॉइंट है लिथियम लीस्ट रिएक्टिव होता है बट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल अल्कली मेटल्स। एयर के साथ कंबशन करके मेनली ये मोनोऑक्साइड Li2O देता है और नाइट्राइड Li3N देता है, बाकी अल्कली मेटल्स नाइट्राइड नहीं देते हैं। एलाइसिल डेलिक्विशन होता है, मीन्स इसमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी प्रॉपर्टी होती है और ये क्रिस्टलाइज करता है हाइड्रेट के रूप में एलाइसिल ट्वाइस H2O, वेरस अदर अल्कली मेटल क्लोराइड्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स। जो लिथियम का जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, वेरस बाकी एलिमेंट्स के सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स पाए जाते हैं। लिथियम जो है वो इथाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वेरस अदर अल्कली मेटल्स इथाइन के साथ रिएक्ट करके इथेनाइड बनाते हैं। जो लिथियम नाइट्रेट है उसको हीट करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड देता है, वेरस अदर अल्कली मेटल नाइट्रेट्स को डिकम्पोज करने पे करस्पॉन्डिंग नाइट्राइट मिलता है हमको। जैसे कि लिथियम नाइट्रेट है, इसको हीट करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड NO2 और O2 मिलेगा। अदर अल्कली मेटल जैसे कि सोडियम नाइट्रेट है, तो इसको डिकम्पोज करेंगे तो सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन मिलेगा। लास्ट पॉइंट है लिथियम फ्लोराइड और Li2O आर कंपैरेटिवली मच लेस सॉल्युबल इन वाटर देन करेस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। उसके साथ सिमिलैरिटी इसका लिथियम का मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप में, बिकॉज एटमिक रेडियस सिमिलर होता है, लिथियम 152 पिकोमीटर और मैग्नीशियम 160 पिकोमीटर। उसी तरीके से आयनिक रेडियाई भी लिथियम Li+ का 76 पिकोमीटर और Mg2+ का 72 पिकोमीटर। तो कुछ सिमिलैरिटी है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है बोथ लिथियम और मैग्नीशियम हार्डर होते हैं और लाइटर होते हैं अदर एलिमेंट्स के रेस्पेक्टिव ग्रुप। सेकेंड पॉइंट है लिथियम मैग्नीशियम स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, इनका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड लेस सॉल्युबल होता है और जो हाइड्रोक्साइड है वो हीट करने पर डिकम्पोज करता है। दोनों लिथियम और मैग्नीशियम दोनों नाइट्राइड बनाते हैं Li3N और Mg3N2 बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विथ नाइट्रोजन। थर्ड पॉइंट है जो ऑक्साइड्स होते हैं लिथियम और मैग्नीशियम के, वो डू नॉट कम्बाइन विथ एक्सेस ऑक्सीजन टू ग्रुप एनी सुपर ऑक्साइड, कोई सुपर ऑक्साइड नहीं देता है। और जो फोर्थ पॉइंट है कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम और मैग्नीशियम ईजिली डिकम्पोज करते हैं हीट करने पर और ऑक्साइड्स और CO2 रिलीज करता है और इन दोनों के सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स नहीं मिलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है LiCl और MgCl2 दोनों इथेनॉल में सॉल्युबल होते हैं। एंड द लास्ट इज LiCl एंड MgCl2 आर डेलिक्विशन और क्रिस्टलाइज करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रेट्स LiCl ट्वाइस H2O एंड MgCl 8 H2O। अभी के लिए इतना ही, रेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।